गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे ऊपर क्या है, पहचान। जैसे हिंदी के वाक्य हैं उसमें कैसे पहचानेंगे कि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, चुकी है, ये आते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, तुम पत्र लिख चुके हो, वह फुटबॉल खेल चुका है, राम बाजार जा चुका है, इनके लास्ट में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, चुकी है, ये आते हैं। तो ये इन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, जो सेंटेंस बनाने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ हैव में से एक का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हैज़ और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नेगेटिव, जिसमें नहीं शब्द आया होता है, जैसे मैं नहीं खेल चुका हूँ, तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, इसी तरह जिसमें सब्जेक्ट और हैज़ और हैव इनमें से एक का प्रयोग होगा। उसके बाद नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या वह खेल चुका है, उसमें हैज़ और हैव इनमें से जो भी प्रयोग होगा उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। पहले हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब, उनमें से एक, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटरोगेशन। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज़ हैव इनमें से एक का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम बाज़ार नहीं जा चुके हो, क्या वह नई कार नहीं खरीद चुका है, तो इसमें देखें कि हैज़ और हैव में से किसका प्रयोग किसके साथ होगा। सी ही एनी नेम इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा। जैसे सी है, सी सब्जेक्ट है, ही आया है या किसी का नाम आया है, एक व्यक्ति का नाम अगर आया है, इट है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही हो सकता है माई फादर है, माई मदर है, माई ब्रदर, माई सिस्टर, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हैज़ का प्रयोग होगा। वी आई दे यू प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर क्या है, एक नाम, अगर नाम दो हैं, राम एंड मोहन, कोई भी नाम, दो नाम हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो वो क्या आएगा, हैव का प्रयोग होगा। जैसे अगर माई ब्रदर है या माई सिस्टर है, माई फादर है या माई मदर अकेला है, तब हैज़ और ज़्यादा है, जैसे माई पेरेंट्स हैं, तो हैव का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं वाक्य, वह फुटबॉल खेल चुका है, लास्ट में चुका है, और सबसे पहले क्योंकि सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या वह है, वह को ही के साथ हैज़ का प्रयोग, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड प्ले प्लेड प्लेड द फुटबॉल, ही हैज़ प्लेड द फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव। ही हैज़ नोट, नोट आ गया इसमें हैज़ के बाद, ही हैज़ नोट प्लेड द फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड द फुटबॉल, हैज़ का प्रयोग इसमें सब्जेक्ट से पहले आया, और लास्ट में समार्क, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुका है, इसमें क्या प्रश्न भी पूछा है और नहीं भी दिया है, इसलिए इसमें हैज़ है वो सब्जेक्ट पहले भी आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग।
हैज़ ही नोट प्लेड द फुटबॉल। आगे देखते हैं तो हमने हैज़ वाला किया, जिसमें ही सब्जेक्ट है। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, मैं पत्र लिख चुका हूँ साधारण वाक्य। आई हैव रिटन द लेटर, आई के साथ हैव का प्रयोग और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नोट रिटन द लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई, हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, हैव आई रिटन द लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नोट रिटन द लेटर। राम और मोहन अपने घर जा चुके हैं, इसमें देखो एक शब्द आता, एक नाम आता तो हम हैज का प्रयोग करते हैं, इसमें दो नाम आए हैं तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। राम एंड मोहन हैव गोन टू देयर होम, राम और मोहन अपने घर नहीं जा चुके हैं। राम एंड मोहन हैव नोट गोन टू देयर होम। क्या राम और मोहन अपने घर जा चुके हैं, इसमें प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैव राम एंड मोहन गोन टू देयर होम, गोन गो की थर्ड फॉर्म है, और क्या राम और मोहन अपने घर नहीं जा चुके हैं, हैव राम एंड मोहन नोट गोन टू देयर होम। इसमें हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नोट, क्योंकि इसमें क्या का प्रयोग है और नहीं का भी प्रयोग है। ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक, इसमें प्रश्न भी है और नहीं का भी प्रयोग है। ये इनका अभ्यास करेंगे, इसको याद करेंगे, बार बार पहचान करेंगे वाक्यों की, और उनको हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में बदलेंगे।